वेलकम टू सारा क्लासेस सारा क्लासेस में आप सबका स्वागत है हमारे बहुत सारे साथी और एस्पायरेंट अलग अलग तरह के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हीं की तैयारी को हम ध्यान में रखते हुए हमने मैथ का सिलेबस तैयार किया है और आज से हम मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं ये सिलेबस से सिलेबस आपका टी टी का सी टी टी का टीचर्स भर्ती का एस का बी का लेखपाल एग्ज़ाम का आर और ए एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स कवर करेगा इस इस क्लास में हम बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया है ये सब तो हमको आता है और सर हमारा टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में कोई ऐसी बात मत लाइएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमको लगता है कि सिंपल सी चीज़ें हमको आती हैं लेकिन कुछ डाउट्स होने की वजह से उसमें एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी हमसे गलत हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि सिंपल से क्वेश्चन आया था लेकिन हमारा गलती से गलत हो गया गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह जाता है आइए शुरू करते हैं मैथ का क्लास हम प्राकृतिक हम मैथ का क्लास नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं इनको हिंदी में संख्याएं कहते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा ताकि जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी समझ में आए और जो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के उनको इंग्लिश समझ में आ जाए तो आज हम नंबर सिस्टम से संख्याओं से शुरू करेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं सभी आप लोग जानते हैं उनके बारे में हम बताएंगे संख्याएं कितने तरीके की होती हैं सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे नेचुरल इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं फिर पूर्ण संख्याएं होती हैं इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं फिर पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स होते हैं फिर परिमेय संख्याएँ होती हैं इनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं अपरिमेय संख्याएँ होती हैं रेशनल नंबर्स अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं जो भी संख्याएं जिनको हम अपनी दैनिक जीवन में काउंटिंग के लिए या गिनती करने के लिए यूज़ करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं वन से शुरू होती है और सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक है ये ज्ञात नहीं की जा सकती कहने का मतलब ये है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो वंश से शुरू हो जाती हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डैश 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 ऐसे ही ये चलती रहती हैं और इनकी आखिरी सीमा कहाँ तक है ये ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हम संख्याओं से लेकर कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं तो इसकी सबसे बड़ी को संख्या की कोई सीमा नहीं है तो इन प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांग भी कहते हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं इन संख्याओं का गिनती में प्रयोग किया जाता है यहाँ एक चीज़ एक बात ध्यान रखने योग्य है आपको प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है जो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं वो बंध से शुरू होती हैं और सबसे बड़ी संख्या की कोई सीमा नहीं होती तो ये ध्यान रखना है कि जीरो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है तो प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वन है या एक है अब देखिए जीरो शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है दो प्राकृतिक संख्याओं का सम जो होता है वो भी प्राकृतिक संख्या होती है फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव प्लस एटीन इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एक नेचुरल नंबर है ये भी एक प्राकृतिक संख्या है दो प्राकृतिक संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या गुणनखंड होता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या होती है उसका रिजल्ट जो आता है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है फॉर एग्जाम्पल फाइव इंटू एटीन इक्वल टू नाइन्टी तो फाइव नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या है एटीन भी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है या बलनफल है इक्वल टू नाइन्टी है नाइन्टी भी एक प्राकृतिक संख्या है तो दो संख्याओं का सम अगर दो प्राकृतिक संख्याएँ हैं तो उनका सम भी प्राकृतिक संख्या होगा और दो संख्याएं अगर प्राकृतिक हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी प्राकृतिक संख्या होगा जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो एक प्राकृतिक संख्या होगा लेकिन अगर दो संख्याएं हैं और उनका हम एक, एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से घटाते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो प्राकृतिक संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या तभी होगी अगर उनका सब्सट्रैक्शन के बाद रिजल्ट धनात्मक या पॉजिटिव आता है लेकिन अगर उनका रिज़ल्ट ऋणात्मक या नेगेटिव आ जाता है तो वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव माइनस एट्टीन इक्वल टू माइनस थर्टीन यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस थर्टीन आ रहा है इसलिए माइनस थर्टीन जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है जबकि फाइव और एट्टीन एक प्राकृतिक संख्या है तो जब दो संख्याओं को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं तो कोई जरूरी नहीं होता कि उनका रिजल्ट जो आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या तभी होगी जब उनका जो घटाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा तो ये ध्यान रखना है आपको जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है और दो संख्याओं को घटाने पर एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाने पर अगर रिजल्ट धनात्मक या पॉजिटिव आता है तब वो प्राकृतिक संख्या होगी अगर रिज़ल्ट ऋणात्मक या नेगेटिव आता है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी अगर एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं तो भागफल या डिविडेंड जो भी आता है अगर वो पूर्ण संख्या होगी तो वो एक प्राकृतिक संख्या है फॉर एग्जाम्पल नाइन बाई थ्री इक्वल टू जो भागफल आता है वो थ्री आ रहा है थ्री एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल में देखें नाइन बाई सिक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव है तो वन पॉइंट फाइव क्या है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर में होती हैं उनमें दशमलव या पॉइंट शामिल नहीं होता अगर किसी संख्या में दशमलव या पॉइंट आता है तब वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइन बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई फाइव आ रहा है तो वन वन पॉइंट फाइव जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है बीच में जो भी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं वो होल नंबर होती हैं होल नंबर का मतलब एक पूरा एक नंबर होती हैं उसमें पॉइंट या दशमलव नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लेते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं जब उनका सम उनको सम करते हैं तो उनका सम जो आता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या होती है दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो एक प्राकृतिक संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या तभी होगी जब उनका रिजल्ट धनात्मक या पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो प्राकृतिक संख्या होगी अगर उनका रिजल्ट नेगेटिव संख्या आ जाता है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी ऐसे ही जब किसी संख्या को हम किसी एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड या भाग करते हैं तो अगर रिजल्ट हमारा होल नंबर आता है तो वो एक प्राकृतिक संख्या होगी अगर रिजल्ट एक पूर्ण या होल नंबर नहीं आता है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी प्राकृतिक संख्याओं के अब कुछ कुछ नियम हैं वो है। देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के कौन कौन से नियम हैं प्राकृतिक संख्याओं का क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नेचुरल्स नंबर्स क्रम नियम क्या होता है अगर संख्याओं का हम क्रम चेंज कर देते हैं तो उनके रिजल्ट पर कोई भी अंतर नहीं आता है फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इसका मतलब ये है अगर जैसे हमारे पास टू नंबर हैं टू एंड थ्री तो टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव होगा और थ्री प्लस टू भी फाइव होगा तो टू में थ्री जोड़ें या थ्री में टू ऐड करें दोनों का रिजल्ट जो है फाइव ही आएगा तो इसको हम कहते हैं क्रीम बेनिमेनियम का तो आपका इससे क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके का बनता है एक क्वेश्चन दिया होगा जैसे टू प्लस फाइव इक्वल टू फाइव प्लस टू ये प्राकृतिक संख्याओं का कौन सा नियम है तो आप लिखेंगे ये प्राकृतिक संख्याओं का क्रम विनिमय नियम है कम्यूटेटिव ला है दूसरा नियम है साहचार्य नियम एसोसिएटेड ला इसमें क्या होता है सपोज आपके पास तीन नंबर हैं ए बी सी अब आप ए और बी को पहले जोड़ लें जैसे टू प्लस थ्री प्लस फाइव तो टू प्लस थ्री कितने हो गए टू और थ्री को पहले जोड़ लें टू प्लस थ्री फाइव हो गए फाइव में फिर फाइव ऐड करेंगे तो फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन तो इसका रिज़ल्ट टेन आएगा अब क्या करें अब आ, 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 हम इसको दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं जैसे पहले टू को ना जोड़ें पहले थ्री और फाइव को ऐड कर लें तो थ्री प्लस फाइव इक्ल टू एट इसमें टू बाद में ऐड करें तो टू बाद में एड करेंगे तो आंसर क्या आएगा तब भी टेन आएगा तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है इसको साचार्य नियम कहते हैं मतलब अगर तीन नंबर आए आपके पास तो कोई भी दो नंबर पहले जोड़ लें और तीसरा नंबर बाद में जोड़ लें तो उनका रिज़ल्ट जो होगा सेम ही आएगा जैसे ए ए बी सी तीन नंबर हैं तो पहले ए और बी जोड़ लिया फिर बाद में जो रिज़ल्ट आया उसको सी से जोड़ दिया ऐसे ही ये किसके इक्वल होगा उसमें बी और सी को जोड़ दिया जो रिज़ल्ट आया उसको ए के साथ जोड़ दिया तो ये एसोसिएटिवला या साचार्य नियम कहलाता है ऐसे ही अगर तीन नंबर हैं या उनकी मल्टीप्लिकेशन या गुणा हो रही है तो पहले या तो पहले हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल कर लें तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको तीसरे नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों केस में हमको रिज़ल्ट सेम आएगा ये साचार्य या एसोसिएटिव ला कहलाता है अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणा गुणनात्मक तत्समक नियम क्या होता है अगर किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो नंबर इट होगा यानी कि वो स्वयं नंबर आ जाएगा जैसे अगर हम फाइव को वन से मल्टीप्लाई करें तो फाइव आंसर आएगा मतलब जो भी नंबर है या संख्या है उसी संख्या के बराबर रिज़ल्ट आएगा जैसे वन को एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी रिज़ल्ट जो आएगा हमारा एट आएगा तो वन को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट जो होता है उस संख्या के बराबर होता है जिस संख्या को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नियम को हम गुणात्मक तत्समक तस, नियम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं तो एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और एक जो कहलाता है वन जो कहलाता है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है जैसे वन इंटू ए इक्वल टू ए वन इंटू वी इक्वल टू वन इंटू सी इक्वल टू सी वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिज़ल्ट वही नंबर होगा तीसरा है निरक्षण नियम निरक्षण कैंसिलेशन ला कैंसिलेशन ला क्या होता है जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी है तो इक्वल टू यहाँ से बी बी इक्वल के इक्वल टू के इधर के दोनों तरफ के बराबर के दोनों तरफ जो बी हैं वो एक दूसरे से कट जाएंगे ऐसे कट जाएंगे जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी है तो एक्वल टू सी हो जाएगा बी से बी कट ही जाएगा हाँ निरसन नियम ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी है तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा ऐसी ए इंटू बी इक्वल टू सी इन बी है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा ये प्राकृतिक संख्याओं का निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाता है अब वितरण नियम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है जैसे ब्रेकेट में दो नंबर हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं और उसको किसी तीसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बी और प्लस सी के रिजल्ट से तो इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं या तो बी और सी ऐड करके जो भी रिजल्ट आ रहा है हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे कर सकते हैं हम एक ब्रैकेट में ए इंटू बी फिर इन दोनों के बीच में जो भी एडिशन का चिन्ह है वो एडिशन का चिन्ह लग जाएगा दूसरी ब्रैकेट में ए इंटू सी हो जाएगा तो वितरल नियम डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या होता है ए अगर तीन नंबर है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा अब होल नंबर क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं अभी प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी थी अब देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं होल नंबर्स क्या हैं अगर प्राकृतिक संख्याओं में अभी हमने देखा था प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं था जीरो को छोड़ के वन से स्टार्ट हो रही थी अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम जीरो भी ऐड कर दें तो जो संख्याएँ प्राप्त होंगी उसको हम पूर्ण संख्याएँ कहेंगे तो पूर्ण संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएँ जीरो से शुरू होती हैं तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डैश 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 चलती रहेंगी लास्ट में इनका कोई अंत नहीं है तो हमने यहाँ क्या क्या, क्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गई ये होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएँ बन गई तो होल नंबर सबसे पहला होल नंबर्स क्या है जीरो है प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन सी थी सबसे छोटी संख्या वन थी अब पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं जब हम पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में हम निगेटिव या ऋणात्मक नंबर भी मिला देते हैं तब जो भी संख्याएं बनती हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं जैसे अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं में देखा था जीरो वन टू थ्री फोर था अब पूर्णांक में क्या होता है निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं जो ऋणात्मक संख्याएँ हैं वो भी आ जाती हैं ऋणात्मक संख्याएँ जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डैश 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 माइनस सिक्स तक तो अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी प्राकृतिक संख्याएं संख्याएँ से स्टार्ट हो रही थी उसमें उसमें भी निगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्याएँ नहीं थी तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं थी से स्टार्ट हो रही थी उसमें जीरो भी नहीं था ठीक है उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी पूर्ण संख्याएं उसमें जीरो ऐड कर दिया था प्राकृतिक संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई थी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी होता है लेकिन ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं अब पूर्णांक में क्या होता है पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स भी होते हैं जीरो भी होता है और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं तो इन तीनों के समुच्चय को जीरो प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं या निगेटिव नंबर्स इन सबको मिला के जो भी समुच्चय बनता है उसको हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं तो जीरो क्या है जीरो एक निरपेक्ष पूर्णांक है ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है यह आपको ध्यान रखना है कि जीरो एक ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है ये एक निरपेक्ष पूर्णांक है इससे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए ये याद रखना क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वन टू थ्री और जीरो लिखा होगा तो जीरो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है ये एक निरपेक्ष पूर्णांक है अब संख्याएं और विषम संख्याएं देखेंगे संख्याएं क्या होती हैं जो संख्याएं दो से बराबर विभाजित हो जाती हैं वो सबसंख्याएँ कहलाती हैं जैसे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्सटी एट्टी डैश 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 जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी जो दो से पूरी पूरी या दो से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी या विभाजित हो जाएंगी या जिन संख्याओं को दो से भाग देने पर भागफल पूरा का पूरा या वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए तब उसको ई बी नंबर या सम समसंख्याएँ कहते हैं जैसे दो चार छः आठ दस बारह बीस तीस साठ अस्सी डैश 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 ऐसी बहुत सारी संख्याएँ हैं जो संख्याएं और दो से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती हैं आठ नंबर या विषम संख्याएँ विषम संख्याएँ क्या होती हैं जो जो संख्याएँ दो से बराबर विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं उदाहरण तीन पाँच सात नौ ग्यारह उन्नीस ट्वेंटी वन थर्टी वन तो थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन नाइनटीन ट्वेंटी वन एंड थर्टी वन ये क्या है ये सारी की सारी विषम संख्याएं क्यों ये विषम संख्याएं क्यों हैं क्योंकि ये टू से कंप्लीट जो है डिवाइडेड नहीं होती हैं यानी कि तीन टू से अगर इनको डिवाइड करें इन संख्याओं को तो ये पूरे के पूरे टू से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये विषम संख्याएँ कहलाती हैं अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आबास संख्याएं क्या होती हैं आवास संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं तो, तो ये भी ध्यान रख लेना कभी कभी हिंदी में ऐसा शब्द आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है तो इसलिए मैथ में जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा इंग्लिश में भी इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लें ताकि आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश में देख सकते हैं अब प्राइम नंबर क्या होते हैं या आभास संख्याएँ क्या होती हैं जो संख्याएँ एक और अपनी संख्या के अलावा किसी से विभाजित ना हो उनको प्राइम नंबर कहते हैं या आभास संख्याएँ कहते हैं जैसे दो सब उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दो दो क्या है दो सिर्फ दो से विभाजित होगा या एक से तो ये एक प्राइम नंबर है या आभा संख्या है आभा संख्याएँ वही होती हैं जो सिर्फ़ अपने आप से या एक से विभाजित होती हैं उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती अब जैसे हम चार लेते तो चार जो है टू टू या फोर चार टू दो से विभाजित हो रहा था एक से भी विभाजित हो रहा था चार से भी विभाजित हो रहा है तो चार एक आभा संख्या नहीं है लेकिन तीन क्या है तीन को हम सिर्फ थ्री से डिवाइड कर सकते हैं या तीन से भाग करने पर तीन पूरा पूरा कट जाता है या फिर एक से भाग करने पर तीन पूरा पूरा कट जाता है तो जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग देने पर कटती है या एक से भाग देने पर कटती है उसके अलावा किसी और नंबर से भाग देने पर पूरी की पूरी नहीं कटती है या पूरी की पूरी विभाजित नहीं होती है तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं तो क्वेश्चन इससे क्या आता है क्वेश्चन इससे यह आता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी सम संख्या दो टू है टू के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है ठीक है और सबसे छोटी विभाज सबसे छोटी विषम आभास संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी विषम आभा संख्या तीन है और सबसे छोटी समा संख्या दो है क्वेश्चन ऐसे भी आता एक से लेकर बीस एक से बीस के बीच कितनी आभार संख्याएँ हैं तो वो आपको काउंट करके लिखना होगा या देख के वन एक और, और बीस के बीच कितनी आभार संख्याएँ वो सब आपको लिख के काउंट करनी होंगी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक से ले कर बीस तक के बीच की सभी आभा संख्याओं का योगफल होगा इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है तो आप अपने आप क्वेश्चन बना बना कर उनको बीच बीच में हल करते रहिए अब भात संख्याएँ क्या होती हैं अभाव संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं बची वो सारी की सारी भाव संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर अभाव संख्याओं के अतिरिक्त सभी संख्याएं जो भी होती हैं वो कंपोजिट नंबर या संख्याएं कहलाती हैं अब जैसे जो भी हम जित जो भी संख्याएं थी उनमें से हमने क्या किया आभार संख्याओं को अगर निकाल लें तो जो भी संख्याएँ बचेंगी वो सारी की सारी भाज होंगी या बेसंख्याएँ जो अपने आप से एक से या किसी तीसरी और संख्या से भी करियाँ कर तो वो भाज संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं के दो से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, उनको हम भाज संख्याएं कहते हैं जैसे फोर फोर टू से भी डिवाइड हो रहा है फ़ोर से भी डिवाइड हो रहा है और वन से भी डिवाइड हो रहा है तो टू से ज़्यादा इसके डिवीजर हैं या भाग हैं तो इस संख्या को हम भाज संख्याएं कहते हैं यहाँ पे एक अपवाद है वन वन सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है तो वन एक यहाँ पे एक अपवाद है इसलिए वन को हम याद करेंगे बाकी तो सब हमारे याद ही रहेंगे वन एक अपवाद है वन एक प्राइम नंबर नहीं है वन एक कंपोजिट नंबर है ये याद रखना वन एक अभाज्य संख्या नहीं है वन जो है एक भाज्य संख्या है ठीक है तो जो संख्याएं अपने वन से अपने आप से और किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसको हम भारत संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं आभार संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं ये भी याद कर लीजिएगा अब निगेटिव नंबर क्या होते हैं ऋण पूर्णांग संख्याएँ ऋण पूर्णांग संख्याएँ आपको पता है जिन संख्याओं के पहले निगेटिव निगेटिव चिन्ह लगा होता है उनको ऋण पूर्णांग संख्याएँ कहते हैं जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अब ऋण अब निगेटिव नंबर्स को या पूर्णांग संख्याओं को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम या आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए छोटे से बड़े की तरफ अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ तो सबसे बड़ा आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं फिर उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, बड़ा जैसे जैसे ये है माइनस फोर माइनस फोर छोटा है ये याद ध्यान रखना जब नेगेटिव जब नेगेटिव चिन्ह किसी नंबर के पहले आ जाता है तो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा जैसे माइनस फोर तीन से छोटा होगा माइनस तीन से ना कि तीन से माइनस फोर छोटा होगा माइनस तीन से माइनस तीन छोटा हो होगा माइनस दो से माइनस दो छोटा होगा माइनस वन से तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा तो माइनस वन जीरो से छोटा होता है माइनस वन जो छोटा होता है जीरो से छोटा होता है ठीक है ये याद रखना कि अगर नंबर के पहले माइनस आ जाता है तो जितना बड़ा जैसे माइनस फोर है तो माइनस फोर माइनस वन से भी छोटा होगा माइनस थ्री से भी छोटा होगा माइनस टू से भी छोटा होगा माइनस वन से भी छोटा होगा तो निगेटिव नंबर के पहले सिर्फ निगेटिव आ जाता है अब एक इस तरीका सवाल बनता है यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएँ हैं तब क्या होता है ए माइनस बी धन पूर्णांक होगा यद ए बी से बड़ा है तो आप देख लीजिए ए बी से बड़ा है ए मान ले तीन है बी मान ले दो है तो तीन थ्री माइनस टू इक्ल टू क्या आएगा वन आएगा जो एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ इसमें हमने जैसे मान लिया है ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू थ्री तो फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन तो ए बी से बड़ा होगा ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएँ तो ए माइनस बी हमेशा धन पूर्णांक होगा किस कंडीशन में धन पूर्णांक होगा जब ए बी से बड़ा होगा ए माइनस बी इक्वल टू रियल पूर्णांक होगा इनका जो रिजल्ट आएगा ए में से बी घटाएंगे या बी सब्सट्रैक्ट करेंगे तब इनका जो भी रिजल्ट आएगा या जो भी उत्तर आएगा वो ऋण पूर्णांक होगा कब रियल पूर्णांक होगा यद ए बी से छोटा होगा कब ऋण पूर्णांक होगा ए जब बी से छोटा होगा आप तो रख के देख लो एक्वल टू फाइव है बी इक्वल टू सिक्स है तो ए बी से छोटा हो गया बी छः है बी सिक्स है ए फाइव है तो फाइव सिक्स से छोटा है तो फाइव माइनस सिक्स करेंगे इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा तो ए माइनस बी क्या आएगा आंसर रिड पूर्णांक होगा क्यों क्यों ए इसका आंसर जो आ रहा है फाइव माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस वन आ रहा है इसलिए ए माइनस बी एक रिड पूर्णांक होगा ठीक है ऐसे ही ए माइनस बी इक्वल टू सून होगा यावल टू बी होगा जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो एक नंबर में से जब इक्वल नंबर एक दूसरे से माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट जो आता है वो सून आता है तो फाइव माइनस फाइव सपोज ए इक्वल टू बी दोनों ए बी फाइव है बी भी फाइव है तो ए माइनस बी क्या होगा सून होगा फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो फाइव में से फाइव गए जीरो आया तो ए माइनस बी इक्वल टू होगा या ज़ीरो होगा अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखेंगे रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग ही जाते हैं तो इनको ध्यान से देखना कि परिमेय संख्याएं क्या हैं तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन यहाँ क्यू क्या है की वैल्यू शून्य या जीरो नहीं हो, होना चाहिए तभी पी पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या होगी जैसे वन अपॉन्ट टू इक्वल टू क्या है परिमेय संख्याएं जितनी भी भिन्न है सभी की सभी परिमेय संख्याएं आती हैं जब जबकि उनके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए जैसे वन अपॉइंट टू एक परिमेय संख्या है थ्री अपॉइंट टू परिमय संख्या है फोर बाई फाइव परिमय संख्या है लेकिन फ़ोर अपॉइंट जीरो आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है कंडीशन यही है इसकी कि नीचे की जो हर अंश है हर है नीचे की संख्या जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए किसी भी भिन्न में नीचे की संख्या जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए तो ये जो भी नंबर होते हैं ये रेशनल या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याओं के उदाहरण एग्जाम्पल फॉर रेशनल नंबर देख लेते हैं माइनस पाँच ये निगेटिव भी हो सकती हैं पॉजिटिव भी परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं तो अगर ऋणात्मक अगर निगेटिव चिन्ह लगाए किसी भिन्न के पहले तो वो भी रेशनल नंबर होगा या परिमेय संख्याएं होंगी जैसे माइनस पा फाइव बाई टू वन बाई थ्री थ्री बाई फोर सेवन बाई एलेवन आर ये सारी की सारी जो है परिमेय संख्याएं हैं ठीक है तो इनको पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं इसलिए ये भले ही ये पूर्णांक हो या ना हो लेकिन ये सारी की सारी जितनी भिन्न है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं अब अप्रिमय संख्याएं क्या होती हैं अप्रिमय संख्याएं इनको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं वो वास्तविक संख्या है जो परिमय नहीं है अर्थात जो परिमय संख्याएं नहीं होती हैं वो उनको छोड़कर बाकी की बाकी संख्याएं जो होती हैं वो अप्रिमय संख्याएं होती हैं इन परि अप्रिमय संख्याओं को हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते क्यों परिमय संख्याओं को हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते थे लेकिन अप्रिमय संख्याओं को हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते यहाँ पी और क्यू यहाँ भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वैल्यू नीचे जो है पी को क्यू से हम डिवाइड करें पी अपॉन क्यू है तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तभी ये अप्रीमय संख्याएँ होंगी जब पी अपॉन क्यू हम किसी भी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो वो सारी की सारी संख्याएँ जो अप्रिमय संख्याएँ होती हैं अप्रिमय संख्याओं के हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जैसे अंडर स्क्वायर रूट टू है हम दो का वर्गमूल निकालें तो दो का बरमूल स्क्वायर रूट टू या अंडर रूट टू लिख दें तोंडा रूट टू क्या है एक अपरिमेय संख्या है पाई पाई की पाई का क्वेश्चन बहुत आता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या निम्नलिखित में से क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो भी देख लीजिए आपको क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है उसमें बहुत सारी संख्याएँ दी होंगी जैसे स्क्वायर रूट नाइन दे दिया वन दे दिया टू दे दिया और पाई दे दिया तो बताइए इसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है स्क्वायर रूट नाइन नाइन का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होता है तो इसलिए स्क्वायर रूट नाइन परिमेय संख्या है वन परिमेय संख्या है टू भी परिमेय संख्या है लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है या जितनी भी आभास संख्याएँ हैं किसी का स्क्वायर रूट हमें निकालना होता है वो सारी की सारी अप्रिमय संख्याएँ है होती हैं जिनका जैसे स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर रूट एलेवन स्क्वायर रूट थर्टीन सेवन स्क्वायर रूट सेवनटीन स्क्वायर रूट नाइनटीन जितनी भी आभाज या प्राइम नंबर्स हैं उनका जब भी हम स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट के अंदर दी होंगी या वर्गमूल बर, बर, के अंदर दी होंगी तो इनका वर्गमूल जो है वो सारी की सारी अप्रीमी संख्याएँ हैं तो यहाँ यह पाई और ई भी याद कर लीजिएगा ई भी कभी कभी आ जाता है ई एक नंबर होता है जैसे पाई एक नंबर है ई भी एक नंबर है लेकिन पाई अगर तो, पाई का वैल्यू वैसे हम बाईस बटे सात भी लिखते हैं लेकिन बाईस बटे अगर सात लिख के आ गया तो बाईस ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन जो है एक परिमेय संख्या है क्योंकि विभिन्न में भिन्न के रूप में या पी अपॉइंट क्यू के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी है तो वो एक परिमेय संख्या होगी तो पाई इक्वल टू तो अगर, अगर वाई ट्वेंटी टू अपॉइंट अगर क्वेश्चन में ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन है तो अगर पूछ ले ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो उसका आंसर परिमेय संख्या होगा लेकिन अगर पाई दिया हो तो ये निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है उसमें ऑप्शन पाई भी दिया हो तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है ठीक है ई परिमेय संख्या नहीं है रूट टू परिमय संख्या नहीं है या जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है वो परिमेय संख्याएं है नहीं हैं जैसे रूट टू रूट फाइव रूट इलेवन अब दूसरे तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है जैसे टू प्लस रूट टू बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं है क्योंकि रूट टू का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल निकलता है इसलिए टू प्लस रूट टू भी परिमेय संख्या नहीं होगी बनोपॉन रूट फाइव भी परिमेय संख्या नहीं होगी बनोपॉन रूट इलेवन भी या कोई अगर कोई रेशियो है या कोई भिन्न है जिसके नीचे स्क्वायर रूट ऐसा आ जाए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले जैसे बनोपॉन रूट टू है तो वन के नीचे यानी कि वन को हम रूट टू से डिवाइड कर रहे हैं रूट टू का हमारा रूट टू क्या है अपरिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो भिन्न होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है ये याद रखना आप अब रियल नंबर क्या होते हैं अभी तक हमने जो भी नंबर पढ़े वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्णांक होते हैं वो सारी सारी मिला के हम जितनी भी संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं अब वास्तविक संख्याएँ जब वास्तविक संख्याएं वो हैं तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं अवास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते जैसे स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट माइनस टू तो माइनस दो का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर का हम वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते या पॉसिबल नहीं है किसी भी एक ऋणात्मक नंबर का वर्गमूल निकालना तो माइनस टू माइनस थ्री स्क्वायर रूट माइनस टू स्क्वायर रूट माइनस थ्री स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी जैसे भी आप अगर वर्गमूल मा, माइनस टू बर्गमूल माइनस थ्री वर्गमूल माइनस फोर बर्गमूल माइनस फाइव तो बर्गमूल के अंदर अगर कोई भी निगेटिव नंबर आता है तो सारी की सारी संख्याएँ क्या कहलाएंगी अवास्तविक वास्तविक संख्याएँ कहलाएँगी ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर या बर्गमूल के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो सारी की सारी अवास्तविक तो संख्याएँ कहलाएंगी तो आज की क्लास में हम यहीं ख़त्म कर आज की आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं आने वाले अब नेक्स्ट क्लास में हम आज की क्लास से संबंधित जो भी क्वेश्चन या आंसर बनते हैं वो हम उसमें हल करेंगे हम बताएंगे कि संख्याओं से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे थैंक यू